हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 21 जुलाई 2023 को, यानी कि फ्राइडे को, कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट रह रहा है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज के ऊपर। तो जो सबसे पहला डाटा आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, 5 AM पर आ रहा है और जापान की तरफ से ये डाटा आ रहा है। तो USD JPY, इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर जो डाटा आ रहा है 5 बजे सुबह इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, वो है नेशनल कोर CPI का, यानी कि इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन का डाटा यहाँ पर आ रहा है। 3.2 ये पिछली बार था, 3.5 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो यहाँ पर USD JPY नीचे की ओर को मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि USD मेजर है, तो अपोजिट मूव यहाँ पर आएगा। सेकेंड डाटा 5:20 AM पर आ रहा है और वो भी इम्पैक्ट डालेगा USD JPY के ऊपर, क्योंकि जापान का ही नेशनल CPI का डाटा आ रहा है। ऊपर वाला कोर CPI का था, यहाँ पर CPI का डाटा ये आ रहा है और 0.6 से पिछली बार था, इस बार ये कितना रहेगा वो 5:20 AM पर ही पता लगेगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा आता है तो ये अपोजिट जाएगा, अगर ये कम आता है तो ये ऊपर की ओर को जाएगा। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है, इम्पॉर्टेंट डाटा है, वो है 11:30 AM पर और उसका इम्पैक्ट जो है ब्रिटेन के ऊपर पड़ेगा, यानी कि GBP USD ब्रिटेन का डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है और रिटेल सेल्स 0.3 पिछली बार थी, 0.2 होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो GBP USD भी घटेगा, अगर ये 0.3 से ज़्यादा आता है तो GBP USD भी ऊपर की ओर को मूव करेगा। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, लेकिन अगर अभी तक आपने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन नहीं कराया है तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको सबसे ऊपर लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए एक्सनेस पर। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन है उसमें वीडियोज़ दे रखी हैं, उन वीडियोस की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे मनी विड्रॉ कर सकते हैं, और साथ ही जो आपके पास विड्रॉ किया हुआ पैसा जो आपके पास आता है वो बैंक टू बैंक आता है, मींस एक बैंक दूसरे बैंक में डालता है। जो कंपनी है वो पहले किसी बैंक में डालती है और वो बैंक फर्दर आपके बैंक में डालता है, तो बहुत ही सिक्योर यहाँ पर विड्रॉ होता है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पेमेंट आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पेमेंट करी जाती है। मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ, आज तक मुझे कोई भी यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर मुझे स्ट्रगल कभी भी नहीं हुआ, ना ही कोई प्रॉब्लम आई है। तो जल्दी से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर एनालिसिस भी ये बताते हैं और जो ये भी अपडेशन होते हैं डाटाज की, वो अपडेशन भी आपको यहाँ पर ये बताते हैं। तो आप जल्दी से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए, क्योंकि जिस टाइम ये डाटा आते हैं उस टाइम बहुत बढ़िया मूव आते हैं फॉरेक्स करेंसी पेयर्स में और साथ ही कई बार कॉमोडिटीज में भी। तो आप इसके लिए तैयार रहिए और जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो 6 PM पर आ रहा है और जो ये डाटा आ रहा है वो कनाडा की तरफ से आ रहा है, तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो USD CAD के ऊपर पड़ेगा। और जो डाटा है वो है रिटेल सेल्स का, रिटेल सेल्स का डाटा है 1.1, यहाँ पर पिछली बार था, 0.5 रहने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर घटता है तो USD CAD ऊपर की ओर को जाएगा, और अगर ये यहाँ पर बढ़ता है 1.1 से ज़्यादा आता है तो USD CAD नीचे की ओर को जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे की ओर को यहाँ पर जो ये मेजर है यहाँ पर इस करेंसी पेयर में वो USD है, तो अपोजिट मूव यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 10:30 PM पर और US बेकर्स ह्यूज ऑयल रिग और साथ ही टोटल रिग का ये डाटा यहाँ पर आ रहा है। ऑयल रिग 537 है और नेक्स्ट क्या होंगे वो हमें पता लगेगा, और 675 का नेक्स्ट क्या होगा वो हमें पता लगेगा 10:30 बजे शाम को, रात को। और ये होते क्या हैं, ऑयल रिग यानी कि जो मशीनरीज यूनाइटेड स्टेट्स में चल रही हैं जो कि प्रोडक्शन कर रही हैं क्रूड ऑयल की, और टोटल रिग में क्रूड ऑयल प्लस नेचुरल गैस की जो प्रोडक्शन कर रही हैं मशीन्स, उनकी संख्या यहाँ पर उनकी बात होती है। तो अगर उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती है तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ेगी और उसकी वजह से एग्जैक्टली 10:30 बजे आपको ज़रूरी नहीं है कि मूव देखने को मिले, लेकिन हमें जो मूव देखने को मिलते हैं वो मोस्टली मंडे या ट्यूसडे को हमें देखने को मिलते हैं, उसके मंडे को हमें एक इम्पैक्ट देखने को उसका मिलता है ज़रूर। तो इसके ऊपर भी आप नज़र रखिए,
और अगर यहाँ पर 537 से कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी और उसकी वजह से हमें यहाँ पर प्राइसेस ऊपर की ओर को जाते हुए भी दिख जाते हैं। और टोटल रिग में हमारा यहाँ पर नेचुरल गैस का भी पता लग जाता है, नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी और उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस टाइम ये डाटा आते हैं उस टाइम पर आप उन पर्टिकुलर फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर या फिर कमोडिटीज़ के ऊपर ज़रूर नज़र रखे करिए, क्योंकि उस टाइम हमें बहुत बढ़िया मूव भी देखने को मिलते हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना जल्दी से ओपन कर लीजिए, और इनके अपडेट्स हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही नॉलेज भी बढ़ेगा और हमारा मोटिवेशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ताकि हम आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आते रहें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।